हेलो दोस्तों, ट्रेन टू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ट्रेन टू में लेके आया हूँ भारत की पांच सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। नंबर पांच पर है बेंगलोर न्यू तिनसुकिया सुपर फास्ट एक्सप्रेस 22501 22502। भारतीय रेल के मुताबिक यह ट्रेन बेंगलोर और तिनसुकिया के बीच 3566 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इस सफ़र के दौरान 41 स्टेशनों पर रुकती है और यह सफ़र 63 घंटे 15 मिनट में पूरा करती है। यह भारत की पांचवी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। चौथी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नवयोग एक्सप्रेस 16787 16788 भारतीय रेल की चौथी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नवयोग एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर के कटरा से तिरुनेलवेली जंक्शन के बीच चलती है। इस दौरान 65 घंटे में 3632 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और 12 राज्यों से होकर गुजरती है और 59 स्टेशनों पर रुकती है। भारतीय रेल के मुताबिक तीसरी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस 16317 16318 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कन्याकुमारी तक चलती है। यह ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यह ट्रेन इस दौरान 68 घंटे और 20 मिनट में 3788 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इस दौरान 65 स्टेशनों पर गुजरती है। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। दूसरे नंबर पर आती है अरनोई एक्सप्रेस 12507 12508। यह ट्रेन भारतीय रेलवे के मुताबिक सबसे लंबी दूरी तय करने पर दूसरे नंबर पर आती है। यह ट्रेन तिरुवनंतपुरम से सिलाचर के बीच चलती है। यह सफ़र के दौरान 57 स्टेशनों पर रुकती है। यह ट्रेन 3928 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, लगभग 71 घंटे और 45 मिनट में पूरा करती है। एक नंबर पर आती है विवेक एक्सप्रेस 15905 15906। विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेल के मुताबिक यह ट्रेन भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली पहले नंबर की ट्रेन है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। 4247 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह सफ़र बहुत 75 घंटे और में पूरा करती है और 59 स्टेशनों पर रुकती है।